नितेश तिवारी की रामायण अनाउंसमेंट के बाद से ही सुर्खियों में बनी हुई है। इसकी एक नहीं कई वजह है। एक तो आदि पुरुष के बाद ये मेगा स्क्रीन पर आने वाली वो रामायण है जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इसके लिए बहुत सारे लिटमस टेस्ट हैं, इसके लिए कई तरह की अग्नि परीक्षाएं हैं। कहीं कोई गलती माफ नहीं की जाएगी, ये बात आदि पुरुष के साथ ही दर्शकों ने साफ कर दी है। लिहाजा नितेश तिवारी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और एक एक फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जा रहा है। जो ताज़ा अपडेट सामने आई है उसमें ये पता चला है कि रणबीर कपूर इसमें डबल रोल निभाने वाले हैं। जी हाँ, भगवान राम के रोल में भी रणबीर कपूर हैं और वहीं परशुराम के रोल में भी रणबीर कपूर है। दोनों ही विष्णु अवतार हैं, लेकिन लुक्स के मामले में कहा जा रहा है कि भगवान परशुराम का जो किरदार होगा उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि लोग पहचान नहीं पाएंगे कि वही रणबीर कपूर है। इसके साथ ही ये बात भी सामने आ गई है कि जटायु के रोल के लिए बिग बी रहेंगे, लेकिन बिग बी सिर्फ अपनी आवाज़ देंगे, साथ ही उनकी आंखों को इस तरीके से स्कैन करके VFX में इस्तेमाल किया गया है जिससे जटायु का जो किरदार है वो कहीं ज़्यादा प्रभावशाली लगेगा। इसके साथ बाकी के किरदारों की लिस्ट भी साफ हो चुकी है। आपको बता दें कि इसमें दशरथ के रूप में अरुण गोविल होंगे, लक्ष्मण के रूप में रवि दुबे, हनुमान के रूप में सनी देओल, रावण के रूप में यश, सीता के रूप में साई पल्लवी, कैकई के रूप में लारा दत्ता, शूर्पणखा के रूप में रकुलप्रीत सिंह और दशरथ के रूप में अरुण गोविल शामिल हैं। इस फिल्म का लोगों को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि आदिपुरुष ने इस विषय पर बनने वाली फिल्म से दर्शकों को इतना निराश किया है कि अब लोग देखना चाहते हैं कि इतने बड़े कलाकार और इतने बड़े बजट की फिल्म जब एक बार फिर से इस विषय पर और भगवान राम जो भारतीय जनमानस के सबसे चहेते और लोकप्रिय किरदार हैं और सबसे ज़्यादा आस्था का केंद्र हैं, उन्हें लेकर के अब जो फिल्म बन रही है उसमें आखिर क्या दिखाया जाता है।